गाइस वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। कैसे हैं जनाब आप? आज जो है वो डे पिकनिक का प्लान। बारिश हो रही है, बड़ा जबरदस्त मौसम हो रहा है और इस वक्त जो है जनाब हमारी फैमिली वन डिश पार्टी हो रही है। एक हमने पार्क लिया है और उसमें हम जो है ये वन डिश पार्टी करते हैं। तो आप लोग भी आज का प्रोग्राम देखिए। सबसे पहले तो देखिए मैंने क्या बनाया है, जल्दी जाइए और इसको देखिए कि मैं आज क्या बना के लाई हूँ वन डिश। चले जी, मैंने बनाया था बिहारी कबाब टिक्का कढ़ाई। जी हाँ, और इसमें मैंने क्या क्या मसाले ऐड किए हैं ये आज आप देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक टीस्पून धनिया लिया, एक टीस्पून जीरा लिया और एक टीस्पून मेथी लेके इसको भून के और इसको मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया, जैसे कि आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं। उसके अलावा मैंने बिहारी कबाब का मसाला लिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाला लिया और दही बड़ों का वो मसाला जो कि हम घर में बनाते हैं, धनिया, ज़ीरा और जो मोटी वाली मिर्च होती है उसको मिला के ये वो मैंने शामिल कर लिया। ठीक है जी, तो ये सारे मसाले जो हैं ये मेन मसाले हैं जो कि इसमें मैं डालती हूँ और बड़ी ही टेस्टी बनती है ये। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि ज़्यादा सा लहसुन अदरक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको कम लहसुन अदरक खाना है तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 3 चम्मचे डाले थे। और सबसे मेन चीज़ जो है वो होता है मीट, यानी आपको चिकन का मीट लेना है, आपको लैम का लेना है या आपको बीफ लेना है, ये आप डिसाइड खुद करेंगे। मैं इस वक्त चिकन का बना रही हूँ क्योंकि चिकन जो है वो ज़्यादा शौक से खा ली जाती है। अच्छा, चिकन को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उसमें जो है आपने लेमन भी शामिल करना है, और जनाब लेमन आप 1 ले सकते हैं या 1.5 ले सकते हैं। तो भाई अब हम इन सारे मसालों में जो है वो लहसुन अदरक को ऐड करेंगे, यानी पहले ही मैं मसालों को मिला लूँगी और फिर उसको गोश्त में शामिल करूँगी। साथ में मुझे इसमें लेमन भी ऐड कर देना है और इन सबको मिक्स करके चिकन में मिला देना है। अब यहाँ पे जनाब सब चीज़ों को मिक्स करना है अच्छी तरह। अब ये मिक्स करने के बाद हमने इसको चिकन में मिला देना है और चिकन को जनाब खूब अच्छा सा मसाज करके इसको हमने थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए फ्रिज में भेज देना है। आईता, तो यहाँ पे जनाब हमारी चिकन जो है वो बेचारी डब्बों में पैक होकर रेस्ट होने के लिए फ्रिज में चली गई। अच्छा, उसके बाद जनाब जैसा कि आपको पता है कि जब हम कहीं आउटडोर पिकनिक पे जाते हैं तो वहाँ पर रात में सर्दी हो जाती है, तो मैंने थोड़े से लिहाफ जो है ना वो रख लिए थे। साथ में जो है डलिया में मैंने कुछ चमचे वगैरह रख लिए थे, डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, साथ में ये चीज़ें होती हैं कि इसमें कोई सलाद वगैरह आदमी रख सकता है, और कप्स होते हैं, बिस्किट्स थे, पानी, कोल्ड ड्रिंक, टिश्यूज़ वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं एहतियातन मैंने सब रख ली थी और अब इनको मुझे गाड़ी में शिफ्ट करना था जी। उसके अलावा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थे नान, जो कि मैंने पहले से ही मंगवा लिए थे और इस वक्त मैंने बास्केट को तकरीबन फुल तैयार कर दिया था। साथ में हरा मसाला जो है वो तो भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपको इस तरह की कढ़ाई या बिहारी कबाब कढ़ाई जो भी आप बना रहे हैं उसमें इस तरह का हरी मिर्च वाला मसाला जो है ना वो हिट रहता है। अच्छा जी, अब वो वक्त आ गया था कि मैंने जो है 2 घंटे फ्रिज में रेस्ट करवाने के बाद चिकन को अब मैंने जो है थोड़ा सा भूनना था और इसको मैं जो है वो बिल्कुल हल्की आंच पे इसको तैयार करूँगी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है चिकन भुजिया ना बने तो इससे बेहतर ये है कि आपको उसको ढकना नहीं है, इसको कवर नहीं करना है, इसको ऐसे ही खोल के तैयार करना है और इसको ज़्यादा हिलाना भी नहीं है ताकि ये चिकन टूटे ना, क्योंकि इसमें बिहारी मसाला पड़ा हुआ है तो बिहारी मसाले में अमूमन टेंडर मसाला भी शामिल होता है, जिसकी वजह से चिकन जो है अगर आप ज़्यादा चलाएंगे या उसको ढक देंगे तो वो टूट जाएगी। तो ये एक ख़ास टिप थी जो कि मैंने कहा आपको बताती चलूँ। यहाँ पर जनाब मेरी चिकन तैयार हो चुकी है, अब चलते हैं कुछ जरूरी काम करने के लिए। मैं जा रही हूँ एक्शन मार्केट और वहाँ से मुझे कुछ थोड़ी बहुत चीजें लेनी थी, क्योंकि नॉर्मली जाहिर सी बात है जो मेरे पास चेयर्स वगैरह जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि बेसिकली जो हमारा मेरे पास जो है वो प्लास्टिक की जो चेयर्स हैं वो नॉर्मली मेरे गार्डन में यानी रखी हुई हैं, वो ऐसी कि फोल्ड नहीं हो सकती हैं, इस वजह से जो है मैं फोल्ड होने वाली जो चेयर्स होती हैं वो लेने जा रही हूँ। मुझे कुछ और भी चीज़ देखनी थी तो आप लोग मेरे साथ ही रहिए। मुझे मिल गई हैं वो सीट्स जो कि मुझे चाहिए थी, अब मैं इनको लेती हूँ। ये पता नहीं कितने की यहाँ पर प्राइस नहीं लिखी हुई, मगर ये मुझे क्योंकि लेनी तो है तो ये मैं ले लेती हूँ। यहाँ जनाब घर आके मैंने जल्दी जल्दी अपने आप को तैयार किया और उसके बाद जो है सामान लोड किया गाड़ी में और इस वक्त हम पहुँच चुके थे। हाँ जी, तो यहाँ पर इस वक्त जो है फहद बना रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं फहद। ये देखिए जनाब, इतनी छोटी सी
क्यूट सी वो कहते हैं ना कि ग्रिल है जिसमें वो लेकर आए हैं अपनी चीजें। देखे गाइस, ये है खदीजा। खदीजा आज वन डिश पार्टी में आप क्या बना के लाई हैं? वैसे मैं हमेशा की तरह बिरयानी बना के लाई हूँ, ऊधम किस्म की बिरयानी। और जनाब आप क्या बना के लाई हैं? रूबी टिक्का पुलाव। ओहो हो हो, चलो जी टिक्का पुलाव किया। आप क्या लाए? यार पता नहीं कि टिक्का पुलाव है। टिक्का पुलाव है। ओहो, सलीम भाई आप क्या बना लाए? भाई हमारी बेगम जो है वो बिरयानी और शायद कुछ कीमा वगैरह ही बना। ओहो बिरयानी। और उजैर और भाई साहब आप लोग क्या लाए? हम लज़ानिया आया जी। और बुरहान भाई आप क्या लिया? कोरमा? नहीं, वो बिरयानी सिर्फ खदीजा ने बनाई। अच्छा बिरयानी बनी हुई। ओहो हो, चले जी चले। मैं बड़ी वो हो रही हूँ की अब क्या क्या मजेदार किस्म के सब खवातीन खाने बना के लाई है। तो क्या क्या नाज़रीन और हाज़रीन, इन्होंने अकेले अकेले ग्रिल खाना शुरू कर दिए हैं जी। क्या खा रहे हैं आप? ओए होए होए होए, ये देखिए ये जनाब क्या खा रहे हो? चिकन विकन नहीं करी? नहीं चिकन नहीं। सिर्फ ये दो लाए हो? अरे मैं तो ऐसे ही लाया हूँ ये। अच्छा अपने लिए लाए? अब कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? ठाक खैरियत से। और एक से आपने सूट पहने, और इनको क्यों वो पहना दिया था? जैकेट पहनी थी तो उनको ठंड लग रही थी। अच्छा उनको ठंड लग रही थी। हाँ अच्छा लग रहा है इसका तुम्हारा सूट भी। हाँ जबरदस्त। चले जी आप भी आए। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? खैरियत। क्या हो गया? बोलना नहीं आता? नहीं नहीं बोलना आता है? बोलती है? नहीं नहीं बातें करती है। एक व्लॉगर आगे जा रही हैं और एक व्लॉगर पीछे हैं। ये व्लॉगर कौन है? हेलो विंके विंके कर दीजिए। ये है टुडेज फन और उर्दू व्लॉग जर्मनी। ओ हाँ सही सही, ये है जनाब उर्दू व्लॉग। और क्या है? जायकेदार पकवान। आपने इंग्लिश नहीं सीखी? आप इंग्लिश सीखो। पकवान है। मैं ये कढ़ाई मैंने यहाँ पर निकाल ली है। अब इसको मैंने गरम करना है। गरम हो रही है इलेक्ट्रिक के में, क्योंकि यहाँ सारे चूल्हा वगैरह तो होता नहीं है। तो मैं इस तरह इसको लेकर आ गई थी। इसी डिश में सर्व होगा और इसी डिश में जो है ये हम इसको लगा देंगे। ठीक है जी। और फिर एंड में मैं इसमें जो है ना प्याज वगैरह जो भी होगा वो ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पर इसको गर्म कर लिया है। और जैसा कि आपको पता है कि प्याज वगैरह मैं एक्स्ट्रा से लाई थी, ये मैं ऊपर से अभी सर्व करते वक्त ये मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है जी। तो खाना मेरा माशाल्लाह से गर्मा गर्म हो गया। ही जो है ना डिश आउट कर दूंगी। इसका मैंने प्लग यहाँ से निकाल दिया है। अब मैं इसको जो है ना ऐसे डिश आउट कर दूंगी तो ये सब गर्म रहेगा। गर्म भी खाना हो रहा है। ये देखिए जनाब मजेदार किस्म का। और इसमें मैं सही है जी भाई, जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा खाना था वो फ़िलहाल पूरा फिनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सब मीठे की तरफ जा रहे थे। हाज़रीन ये देखिए क्या ज़बरदस्त यमी केक बना हुआ है। और ये देखिए जनाब ये, और इसका टेस्ट इतना यमी है कि बस। Oh, 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 oh
चमन में रह के वीराना।